स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर ज्योति मलिक जी के साथ, जिनका लंबा तजर्बा है IVF के फील्ड में और हजारों की गिनती में ये संतान जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति करा चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमारा स्वागत है इस स्पेशल शो में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमें ये बताएं कि आजकल का जैसे लेट मैरिजेज हैं और लड़कियाँ अपना कैरियर कॉन्शियस हैं, ओसाइट फ्रीजिंग के बारे में हमें बताएं कि ओसाइट फ्रीजिंग क्या है और इसका क्या बेनिफिट। रिचि जी, आपने मेरे मन की बात छीन ली, क्योंकि आज का जो युग है उसमें हमारी गर्ल्स मोर ऑफ प्रोफेशन के ऊपर बहुत ध्यान दे रही हैं और उसको फर्स्ट लाइन मान रही हैं। अपनी फैमिली लाइफ को उन्होंने थोड़ा सा बैक सीट दे रखी है, क्योंकि आजकल हम बराबरी पे हैं। हम गर्ल चाइल्ड की बराबरी, उसकी एजुकेशन, उस सब पे जोर तो दे ही रहे हैं, सरकार भी दे रही है, और इसी को देखते हुए हम सारी विमेन जो हैं वो एक प्रोफेशनल बनती जा रही हैं। परंतु इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं। हम 28-30 साल तक जाके बेटी की शादी कर पाते हैं और फिर उसके बाद भी उसे लगता है कि अगर उसको प्रोफेशन में उसको सेटलमेंट चाहिए, फिर उसके बाद वो सोचती है कि हाँ, अब मैं जब ठीक हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूं। लेकिन हमारी क्या है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो घड़ी हमारी टिक 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 करके टाइम निकालती जा रही है। और फर्टिलिटी का जब हम बात करें तो उसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारा ओसाइट रिजर्व या हमारे अंडों का जो एक टोटल हमारी अंडेदानी के अंदर अंडे की एक फिक्स मात्रा होती है और वो अंडे हर महीने कम होते जाते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लगभग हमारी बेस्ट फर्टिलिटी होती है 20 से 30 साल के बीच में। 30 से 35 साल में थोड़ी फर्टिलिटी कम होनी शुरू होती है, लेकिन 35 साल पे हमारा बहुत सीवियर डाउनफॉल होना शुरू होता है एग्स की नंबर में और क्वालिटी में। अगर हमारी एग की क्वालिटी डाउन होती है तो उससे क्या नुकसान है, मिसकैरेज रेट्स, गर्भपात की जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। दूसरा, जो बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, मंद बुद्धि होना बच्चे का। तो ये प्रॉब्लम्स एग की एजिंग से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस ये है कि हम जब भी प्रेगनेंसी हो,
एज नियरली 25 टू 30 के बीच में हो, फिर से हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा अपने समाज में कि जो हम लेट मैरिजेस कर रहे हैं और फैमिलीज को पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको हम दोबारा से सोचें और उस टाइम को हम वेस्ट ना करें। लेकिन फिर भी मैं सेकंड ओपिनियन, हम ये अगर सोचें कि ये हम अगर नहीं कर पाते तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि हम उन अंडों को जो यंग हैं उन अंडों को निकाल के और उन एग्स को फ्रीज करें, उन अंडों को फ्रीज करें और उसके बाद में जब लड़की शादी के लिए तैयार हो, उसे पार्टनर मिल जाए, तो उन एग्स को हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, डीफ्रीज करके उनको थॉ करके, उसको हम थॉ प्रोसेस बोलते हैं, तो उन एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं उनके पार्टनर के साथ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो, दैट मीन्स उसकी एज वो एज है, दैट मीन्स हमने टाइम को रोक दिया। हमने अगर वो अंडा 27 साल की लड़की में से निकाला है और आज की अगर उसकी उम्र 34 साल है, तो लेकिन उसको जो हम एम्ब्रियो दे रहे हैं, जो बच्चा दे रहे हैं, वो 27 साल की एग का दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक नवीनतम तकनीक साइंस ने डेवलप की है, जो हमारे इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज में तो ये ओसाइट फ्रीजिंग कंपनीज ऑफर कर रही हैं, क्योंकि उनके जो बहुत जो टॉप मोस्ट स्लॉट्स पे जो लेडीज हैं और जिनको वो नहीं खोना चाहते और जो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो कंपनीज उनको स्पेशल ऑफर दे रही है। एप्पल और इस तरीके की कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये योजना दी। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन, ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन दूसरे कंट्रीज़ में तो काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है। हमारे इंडिया में भी आजकल बहुत ही हम भी उन्नति पे हैं और इंडिया में भी ये एक हम इनफैक्ट कॉलेज गर्ल्स को हम ये सजेस्ट करते हैं। ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन दूसरा एक और मैं रोल बताना चाहूँगी कि जैसे कोई कैंसर पेशेंट होता है, कोई लेडी है जिसको कोई लड़की है जिसको इस तरीके का कैंसर निकलता है, तो हम उसके उसी टाइम पहले उसको स्टिमुलेशन दे के उसके एग्स निकाल के उनको फ्रीज कर देते हैं, उसका कैंसर का इलाज हो जाता है। जब वो क्योर हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, फिर हम उन ओसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। कि चाहे वो उसने कीमो करानी है, चाहे कोई भी चीज़ करानी है, लेकिन उसके एग्स भी बचे रहेंगे और उसका इलाज भी होता रहेगा। उसके एग्स को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपीज, मेनली जो रेडियोथेरेपी से एग की एक्सपोजर होके और एग की क्वालिटी के ऊपर या उसके जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, उस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पे जो डिफेक्ट आता है वो एग क्वालिटी कैंसर की मेडिसिन और रेडिएशन से, रेडियोथेरेपी से, उससे प्रिवेंट बच जाता है वो अंडा। और इन एग्स को इनफैक्ट ओवरी को भी हम क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं। सिर्फ ओसाइट की बात नहीं है, उससे और हम एक आगे स्टेप चलें तो एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी है ये, एक इनफैक्ट एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया बना है जो इस तरीके की हमारी ट्रीटमेंट्स को प्रमोट कर रहा है। इसमें हम ओसाइट की बजाय अंडादानी ओवरी को हम निकाल के और एक ऐसी जगह पे उससे अलग कर दूर रख देते हैं, या तो जहाँ पे रेडियोथेरेपी का हिस्सा है उससे दूर, या कुछ उसके टिश्यू को प्रिजर्व करके रख लेते हैं। उस टिश्यू में से फिर बाद में फिर दोबारा उस टिश्यू को बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो जब फिर दोबारा स्टिमुलेशन किया जाता है और IVF की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। डॉक्टर ज्योति जी, आपके सेंटर में ये सारी प्रक्रिया जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी आपको इसका भी तजुर्बा हो चुका है। जी देखिए, ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन तक हम करते हैं, ओवरी क्रायो प्रिजर्वेशन अभी हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आए हैं। नॉर्मली ये केसेस ज़्यादातर कैंसर के हॉस्पिटल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो जो कैंसर हॉस्पिटल है, हम एक कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हमारे पास इस तरीके के केसेस नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें उस चीज़ का नॉलेज है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि अगर वो 27 में, जैसे आपने बताया 25 में है जी, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जैसे अंदर तो एग्स को
वही एटमॉस्फेयर मिलना है और उसका थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वालिटी तो नहीं कि उसके बाद मतलब बाहर और अंदर का जो फर्क पड़े। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में जो है इनफैक्ट हमारी कुछ अभिनेत्री हैं, डायना मेरे ख्याल से एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपना ओसाइट प्रिजर्वेशन किया था और फिर बाद में उनको बेटी हुई, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और वो बच्ची भी अब नियरली 5-6 years की है, तो जो भी ओसाइट प्रिजर्वेशन के बाद में अभी बच्चे हो रहे हैं उनको कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं पाया गया है। तो बिल्कुल आई थिंक हमें, खैर बहुत अर्ली है कुछ ऐसा बोलना कि ये एक किस तरीके की तकनीक है, लेकिन अभी तक बिल्कुल सेफ है। अभी तक कोई किसी बच्चे में कोई इस तरीके का विकार या डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिली है। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को एक ऐसा टॉपिक जो बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि कैरियर कॉन्शियस आज हर लड़की है, और इसके लिए जो आपने हमें यूजफुल टिप्स दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।